सन्न मित्रः सं वरुणः सन्न भवत्वरियमः सन्न इन्द्र बृहस्पतिः सन्न विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽस्य मेधया पीत श्रुतं मे गोपाय ॐ च ॐ महं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनिव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षित इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां माम ब्रह्म निराकरो निराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य महानिस्त
श्रुतं मे मा प्रहसि रनेना धीते नाहो रात्रान्त संददाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ भद्रं नो अपि वातय मन ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभि श्रृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिर ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ नमो ब्रह्म पहले बाह्यार्थवाद का निराकरण विज्ञानवाद ने किया, तो विज्ञानवाद का जो कथन है उसका अनुवादन किया गया किसके लिए, जिस हेतु के द्वारा विज्ञानवादी बाह्यार्थवाद का निराकरण करता है उसी हेतु के द्वारा विज्ञानवाद का निषेध करने के लिए बाह्यार्थ पक्ष दूषणम अनुमोदितम। आभासत्वात् घटादि आभासत्ववत् जन्मादि विषयानपेक्षम आभासत्वात् विषयानपेक्षा आभासत्व आभासत्व तो प्रयोगान टिप्पणी में कार्य आ गया था। विज्ञान से जन्मादि आभासत्वम् विज्ञान से जन्मादि आभासत्व विज्ञान से जन्मादि आभासत्वम् जन्मादि विषयानपेक्षा आभासतत्वात् घटादि आभासत्ववत् जैसे आभास है आभासत्व जिसमें आभासत्व रहेगा वो विषयानपेक्षा आभासत्व उसमें रहेगा आवश्यक विषयानपेक्षा आवश्यकतात्व आवश्यकता में रही वहाँ जन्मादि आभासत्व। जिस प्रकार बाह्यार्थवाद में इस प्रकार विज्ञान में भी जन्मादि आभासत्व है, जन्मादि के आभास होता है वास्तव जन्मादि नहीं है। संप्रति विज्ञानवाद दूषणम अवतारयति, अब विज्ञानवाद दूषण का अवतरण करते आचार्य। तदिदम प्रथम तदिदम हाँ तदेव हेतु कृत्वा तत्प्रक्ष प्रतिषेधाय तदिदम उच्यते तस्माद् इत्यादिना तदिदम उच्यते यत् तस्माद् इत्यादिना
तस्मात् तस्मान् जायते चित्तम् चित्तदृश्यं न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिं केवी पश्यन्ति ते पदम् हाँ ये हो गया था श्लोक। इसका ये स्वरूप श्लोक का व्याख्यान भगवान भाष्यकार करते तस्मा न जाति चित्तम। तस्मात कहने के लिए तस्मात कारणात् कस्मात् यस्मात् पहले कहते यस्मात् असत्येव घटादु घटादि आभासता चित्तस्य विज्ञानवादेन अभिपगता घटादु असत्येव घटादि विषय नहीं होने पर भी चित्त में विज्ञान में घटादि आभासता ऐसा विज्ञानवाद ने मान ली। घटादि विषय नहीं होने पर भी विज्ञान में से घटादि आभासत्व दिखता है, ज्ञान घटादि विषय का ऐसे अनुभव लगता है। तो घटादि विषय नहीं तो भी विज्ञान में जो घटादि विषय तत्व तो है वो आभास है, घटादि आभासत्व लगता है, विज्ञानवादी ने मान लिया। यस्मात् विज्ञानवादी ने अभिभगता तस्मात् कहेंगे तद अनुमोदितम अस्माभिरिति। और जो विज्ञानवादी ने कहा तो उसका हम अनुमोदन क्या है अस्माभि भूत दर्शनात् निमित्त से अनियमितत्व इष्यते भूत दर्शनात्। यथार्थ दर्शन होने पर विषय वास्तव नहीं है, विज्ञान का कोई आलंबन नहीं है। विज्ञान से निमित्त से विज्ञान का निमित्त जो विषय वो निमित्त नहीं, विषय नहीं, वास्तव विषय कुछ बाह्य अर्थ है ही नहीं। विज्ञान विज्ञान विषय भान होता है। यस्मात् ये हो गया, इसलिए आगे तस्मात् प्रकार विज्ञान में बाह्य अर्थ विषय का तो नहीं होने पर भी आभास तो होता है। इसी प्रकार विज्ञान में जन्म आदि नहीं होने पर भी जन्म आदि आवश्यकता है। टीका में भूतदर्शनाद घटादेर मृदादिमात्र भी कहा था। वास्तव दर्शन करने से भूत वस्तु से पदार्थ घटादि ये मिट्टी है, मृदादि घट मिट्टी है आदि से पट तंत्र रूप है। ये भूतम वस्तु तत्व वास्तव तत्व है, कारण है, कार्य मिथ्या है। इसी प्रकार वस्तु तत्व क्या होगा तस्यापि विज्ञानति मात्रम वो ज्ञान मात्र है। जितने जितने पदार्थ है वो सब उससे जा विषय जाकर के तस्यापि तस्यापि विज्ञानति मात्रम तत्व अर्थात विज्ञानति व्यतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, ज्ञान से बिना कुछ है ही नहीं। तस्य शास्त्र तो दर्शनात् शास्त्र से ज्ञान हुआ और ज्ञान से अतिरिक्त कुछ ही नहीं, विज्ञान व्यतिरिक्त अनुपलम बात। ये तस्मात् का अर्थ हुआ यस्मात् यस्मात् तस्मात् न जायते चित्तम। अभी द्वितीय पादम दृष्टान्तत्वेन विभजते चित्त दृश्यम न जायते। द्वितीय पादे चित्त दृश्यम न जायते ये दृष्टान्त है। यथा चित्त दृश्यम घटादि बाह्य पदार्थ न जायते तथा चित्तमपि न जायते। चित्त दृश्य दृष्टान्त ये तो पहले सिद्ध है, चित्त दृश्य बाह्य पदार्थ न जायते ये दृष्टान्त है। ये दृष्टान्त होने के कारण चित्त भी जैसे चित्त दृश्य पदार्थ चित्त में सविषय का तो लगता है वास्तव है ही नहीं, इसी प्रकार चित्त में जन्मादि लगता है वो जन्मादि ही नहीं, चित्त न जायते। द्वितीय पाद में दृष्टान्त तो नहीं होते यथा यथा तृतीय भाष्य में भूत दर्शनात् तस्मात् हाँ तस्मात् न जायते चित्तम तस्मात् तस्यापि चित्तस्य जायमान आभासता असत्येव जन्मनि युता भवितुम्
जिस प्रकार घटादि नहीं होने पर भी विज्ञान में घटादि आवश्यकता विज्ञानवादी ने मान लिया, तस्मात तस्यापि चित्त से जायमान आवश्यकता, चित्त में जो जायमान वाहन होता है उत्पत्ति, जायमान उत्पत्ति जायमानत्व से आवश्यकता, जायमान चित्त जायमान आभास, जायमान का आभास जन्म होता है करके उत्पत्ति का आभासत्व तो चित्त में लगता है। यदि बाह्य विषय के बिना बाह्य विषय आभासत्व चित्त में है तो जन्मादि नहीं होने पर भी जन्मादि आभास है, उसी हेतु से असत्यव जन्म नहीं, असत्यव घटा दो चित्त में घटा दिया आवश्यकता, इसी प्रकार असत्यव जन्म नहीं जन्मादि आवश्यकता चित्त में, असत्यव जन्म नहीं चित्त का जन्म उत्पत्ति नहीं होने पर भी वो जायमान आवश्यकता युक्त भवितुम युक्ता आभा तो भय दिखता है, नहीं होने पर भी दिखता है, बाह्य पदार्थ नहीं होने पर भी विज्ञान में सब विषय का तो लगता है। इसी प्रकार विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होने पर भी उत्पत्ति मत तो घटा दी जाए मैं आवश्यक तो होता है भवितुम भवितुम युक्ता। इसे क्या सिद्ध हुआ, इतना तो न जायते चित्तम, ये सिद्ध हुआ चित्तम न जायते। टीका में यथा हो गया तो विमतम विज्ञान जन्म न तात्विकम दृश्यत्वात् नीलपितादिवत्, बाह्य पदार्थ नीलपितादि दृश्य है वो तात्विक नहीं है। विज्ञानवादी ने बाह्य अर्थवादी का निराकरण करते समय जो दृश्य है वो तात्विक नहीं है, इसलिए विज्ञान जन्म भी न तात्विकम। नीलपितादि जैसे बाह्य अर्थ पदार्थ को विज्ञानवादी ने कहा वो नहीं होने पर भी विज्ञान में से दिखता है स्वप्न विज्ञान के समान, तो बाह्य पदार्थ दृश्य पदार्थ तात्विक नहीं है। तो विज्ञान जन्म न तात्विकम दृश्यत्वाद, उसे दृश्यत्व हेतु के द्वारा जैसे बाह्य पदार्थ में दृश्यत्व मिथ्यात्व सिद्ध हो गया, विज्ञानवादी ने सिद्ध कर लिया, अब उस हेतु के द्वारा विज्ञान जन्म भी दृश्यत्वाद ज्ञायमानत्वाद तात्विक न, ये सिद्धांत हो गया। विज्ञान जन्म भी तात्विक नहीं आभास है, ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, विपक्ष दोषमा अत ये भक्त अतो न जायते चित्तम, यथा चित्त दृश्य न जायते अत विपक्ष दोषमा अत इति, अत तस्य चित्त से ही जाति पश्यन्ति विज्ञानवादिन क्षणिकत्व दुखित्व शून्यत्व अनात्मत्व आदि च तेन चित्तेन चित्त स्वरूप द्रष्टुम अशक्यम पश्यंत खे भी पश्यंती थे पदम पक्षा देना। आगे होता आ गया विपक्ष तेरे ये अत है अत तस्य ये अनुमान हो गया, यथा यथा के बाद अनुमान आएगा यथा के बाद, तो अभी ये यथा तो कभी पाठ नहीं आया ना भाष्य में, तस्मात चित्त तस्यापि चित्त भाष्य में जो यथा है वहाँ तक पाठ अभी नहीं हुआ ना। अच्छा हाँ द्वितीय पादम दृष्टान्त न विभजते यहाँ से यथा हुआ, यथा चित्त दृष्ट न जायते अत तस्य हाँ ये आगे अत है चित्त दृष्ट न जायते सिद्ध हुआ, और उसी चित्त का जो जन्म देखते हैं ये जाति पश्यंती जन्म के पश्यंती विज्ञानवादी विज्ञानवादी जन्म दे चित्त का, और क्षणिकत्व दुखित्व शून्यत्व अनात्मत्व आदि च क्षणिक विज्ञान क्षणिक दुखित्व और बाह्य पदार्थ में शून्यत्व जड़त्व अनात्मत्व आदि जो देखते हैं किससे देखते हैं तेने व चित्ते न, तेने व चित्ते न उसी से
चित्त स्वरूप में क्षणिकत्व आदि कैसे देखे, पहले चित्त को नहीं दे सकते। तेने व चित्ते न चित्त स्वरूप द्रष्टुम असक्यम पश्यंत, उसी चित्त से चित्त स्वरूप देखा नहीं जा सकता है। उसी चित्त में क्षणिकत्व दुखित्व अनात्म तो ये सब कैसे देखते हैं, जो उसी चित्त से उसी चित्त का ग्रहण नहीं हो सकता है। और चित्त के में इस धर्म रहता है फिर कौन ग्रहण करेगा, वो तो खे भी पश्यंती थे पदम पक्षादिना, वो तो खे आकाश में पक्षादिना पदम थे पश्यंती। टीका में विपक्षी दो समाह अतई थी, ये हो गया तेने आगे तेने भाई। हाँ टीका में तत्व तो विज्ञान से जन्म आयोगा, तत्व तो जन्म नहीं, भान होता है, बात तो नहीं है, बाह्य पदार्थ दिखता है किंतु वास्तव नहीं है, विज्ञान ही बाह्य पदार्थ रूप से दिखता है। इसी प्रकार जन्मादि आभास है, नहीं होने पर तत्व जन्म नहीं है। ये तस्य तात्विक जन्म पश्यन्ति, कल्पित मरुभ में जल मानो कोई आपत्ति नहीं, तात्विक जल मानेंगे तो भ्रम होगा। तात्विक जो देते उसका निषेध करते, कल्पित पदार्थ मानकर बैठो कोई चिंता नहीं। ऐसे विज्ञान में तात्विक जन्म देखते हैं ते पक्षादि नाम के पी पदम पश्यंती, पक्षादि नाम दी दीर्घ है ना, हाँ दीर्घ करना पड़ेगा, पश्यंत पक्षादि नाम के पी पदम पश्यंती, आकाश में भी पद देख लेते पक्षिया। इतने का जो विज्ञान का जन्म देखते हैं तो आकाश में पक्षी भी देख, पक्षी के पद चिन्ह भी देख लेते हैं। विज्ञान में क्षणिकत्व दुखित्व शून्यत्व अनात्मत्व ये देखते हैं, अनात्मत्व आदि आदि दिया है, अनात्मत्व आदि इत्यादि शब्द है ना, अन्योन विलक्षणत्व अन्योन सादृश्यम च गृह्यते। एक विज्ञान के बाद एक क्षणिक बाद दूसरा विज्ञान और उसे विलक्षण, प्रथम विज्ञान अलग द्वितीय विज्ञान अलग, विलक्षण है। प्रथम घट ज्ञान द्वितीय पट ज्ञान हो गया, विलक्षण हो गया। प्रत्येक विज्ञान में विलक्षण देखते हैं और विलक्षण होने पर भी वो वही कहते हैं कैसे भिन्न है, विलक्षण भिन्न है, व्यक्ति भिन्न है। कोई पर्वत को हम देखते रहते पर्वत वो विज्ञान है, पर्वत का ज्ञान प्रथम क्षण में वही ज्ञान, द्वितीय क्षण वही ज्ञान, तृतीय क्षण वही ज्ञान, वो सदृश है, वस्तु तो है कि नहीं। ज्ञान तो प्रतिक्षण भिन्न भिन्न है, प्रति व्यक्ति भिन्न भिन्न उनसे विलक्षण हुआ और उसके परस्पर सादृश्य है। पूर्वक्षण विज्ञान उत्तरक्षण विज्ञान में सादृश्य होने से स्वयं विज्ञान घर पर्वत ऐसे हमको लगता है, जैसे दीपतिका सादृश्य होने से स्वयं दीपकलिका प्रतिविज्ञा होती है, वस्तु तो भ्रांति है प्रतिविज्ञा, वो तो प्रतिक्षण भिन्न भिन्न। इसी प्रकार विज्ञान में परस्पर सादृश्य होने के कारण एक विज्ञान ऐसा लगता है किंतु विलक्षण है, परस्पर विलक्षण है, अन्य सादृश्य ये भी देखते हैं उसे विज्ञान के द्वारा। जो विज्ञान प्रतिक्षण उत्पत्ति होकर नष्ट हो जाता है, उत्पन्न उत्पन्न होकर के, वो फिर विज्ञान में क्षणिकत्व सादृश्य विलक्षणत्व ये सब देखता है। तत्र हेतु सूचयति, ये ऐसा जो देखते हैं तो ये भ्रांति, आकाश में पद चिन्ह देखते हैं, जन्म नहीं है विज्ञान में क्यों, तेनैव चित्तेन चित्त सर्वं द्रष्टुम अशक्यम, उसी चित्त से उसी चित्त को जिस चित्त दृष्टा है वही चित्त दृश्य होगा। तेनैव चित्तेन उसी जत्व से, टीका में दिया टिप्पणी में, जन्मादिना विकल्पितेनैव जन्मादि के द्वारा कल्पित जो विज्ञान उसी विज्ञान के द्वारा जन्म आदि को देखते हैं। उसी विज्ञान स्वयं वो विज्ञान अपने को नहीं देख सकता है, उसमें क्षणिकत्व आदि को देखेगा। क्या आपत्ति है, स्वयं अपने को देखेगा, प्रकाश करेगा, स्वयं दृष्टा और स्वयं दृश्य, स्वयं विज्ञान करता है और स्वयं कर्म है,
सवृत्ति अनुपपत्ते, स्व में स्वस्य वृत्ति नहीं। दस नंबर में स्वकर्तृक सकर्मकत्व दर्शन से स्वकर्ता कर्तृय से विज्ञान से तद विज्ञान स्वकर्तृकम असम कर्म यसे तत् स्वकर्मकम। एक ही विज्ञान स्वकर्तृक हो स्वकर्मक हो ऐसा जो दर्शन ज्ञान ये विरुद्ध है। स्वयं अपने को देखेगा, देखने वाला स्वयं हो और देखने का कर विषय भी स्वयं, स्वयं में करता है कर्तृत्व है, स्वयं कर्मत्व है। स्वयं करता स्वयं कर्म ये नहीं होता है, क्यों नहीं होगा? कर्म कर्तृक में विरुद्ध है ना। चैत्र ग्रामम गच्छति, चैत्र गच्छति ग्रामम, ग्राम कर्म है चैत्र करता है। कभी ग्राम ग्रामम गच्छति, चैत्र चैत्रम गच्छति नहीं बनता है। कर्म कर्तृ विरुद्ध है, एक में नहीं हो सकता है क्रिया के। अनुपबद्यमानत्वाद ये उसी चित्त से उसी चित्त को नहीं देख सकते अनु तदृश्यता मंत्रेण च तद्धर्म दृश्यता असंभवात्। पर चित्त को नहीं देख सकते, उसी चित्त से उसी चित्त को नहीं देख सकते, और उसी चित्त में रहने वाला जो धर्म है उसको भी देख लेगा। भाई चित्त को नहीं देख पाते तो उसके धर्म क्या देखेगा? तद्धर्म तद्धर्म जन्म आदि धर्म में दृश्यता संभव, क्षणिकत्व जन्मादि सब दृश्य में दृश्यत्व, चित्त नहीं दृश्य हो गया तो तद्धर्म में दृश्यता कैसे संभव नहीं है। घट ही नहीं दिखता है तो घट में रूप गंध आदि जल आदि जो दिखेगा वो तो धर्म दृश्य नहीं होगा, धर्म के ग्रहण के बिना चित्त नहीं दिखता है तो उस चित्त में जन्म क्षणिकत्व दुखित्व जड़ तो ये सब देख दर्शन संभव नहीं है। ये असंभव देखते हैं तो इसलिए असंभव ये भी असंभव इसको भी देख लेंगे आकाश में पक्षी के पद। विज्ञानवादे फलितम विशेषम दर्शयति, विज्ञानवादे क्या निष्पन्न हुआ? वैशेषिक का पीछा वैलक्षण फलित विशेष वैशेषिक भी द्वैत देखते हैं, कुछ देखते कहते ये भी विशेष क्या कहते हैं? अत इतरेभ्य द्वैतेभ्यो अत्यंत साहसिका, अन्य जो द्वैतवादि वैशेषिक आदि उनकी अपेक्षा और साहसिक बहुत साहसिक है। उसी चित्त के द्वारा उस चित्त को देखते हैं, ये तो बड़ा असंभव है, कर्तृकर्म विरुद्ध होता है। इसलिए उसी चित्त के द्वारा उसको चित्त को देखते जो कहते के धर्म को देखते, इसलिए अन्य द्वैतवादी से भी अत्यंत साहसिक हुआ, अर्थात अत्यंत विरुद्ध है। आकाश में पक्षी चिन्ह देखना पक्षी के पदचिन्ह देखने के समान असंभव है। चित्त को नहीं देख सकते उस चित्त के द्वारा, एक में कर्तृत्व तो कर्म तो नहीं होगा, फिर उसी में आज जन्म आदि वो चित्त स्वयं अपना जन्म देखेगा, और खाली जन्म देखने मात्र से क्षणिक नहीं नाश भी देखेगा। क्षणिक होगा, जन्म होता है नष्ट हो जाता है तब क्षणिक होगा, वो चित्त स्वयं देखेगा अपने जन्म भी देखेगा। जन्म के पहले नहीं था, जिस जो जन्म हुआ वो जन्म को स्वयं चित्त देखेगा और उसका नाश भी देखेगा। चित्त का जो नाश हो जाएगा उस समय चित्त कहाँ रहता है? नाश काल में चित्त नहीं तो नाश को कैसे देखेगा, और चित्त काल में नाश नहीं तो चित्त किस नाश को देखेगा? ये विशेष है। और उनके अपेक्षा माध्यमिक कहते क्षणिक भी विज्ञान है ही नहीं, शून्य सो गए कुछ है ही नहीं, चित्त भी नहीं है। समाधि में बैठ कर देखा कोई प्रमाण नहीं, बैठ कर देख लिया बहुत लगा दिया, देख दे बाद में कुछ दिखता नहीं। कुछ कुछ लोग सोते ईश्वर का दर्शन करने के ध्यान करने बैठते, ध्यान करते 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 कहीं कुछ थोड़ा प्रकाश दिख लिया, कोई कहते बहुत प्रकाश आ गया तो यही ईश्वर है, दिव्य सूर्य सहस्त्र से आया ऐसे परमात्मा प्रकाश हुए। प्रकाश हुआ आलोक को समझ करके कभी आलोक दिख ही जाता है, बस दिख गया।
और कोई कोई बढ़ते तो देखे तो कुछ दिखता नहीं, फिर बाद में क्या सोचते है यही है कुछ यही नहीं, विश्व आकर उपदेश करेंगे कुछ भी नहीं है, समाधि में आकर बैठ कर देख लिया कुछ भी नहीं है, बहुत एकदम शून्य है कुछ भी नहीं, तो क्या तत्व है शून्य है कुछ भी नहीं है। प्रमाण के बिना ऐसे करने से अनुभव ऐसे कुछ कुछ अनुभव हो जाता है, भ्रांति हो जाती है, बहुत लोग भ्रांति होती है, ध्यान कर बैठते हैं तो कुछ कुछ देख लेते हैं तो उसमें भ्रांति हो जाती है। शून्यवादी उपदेश कर लिया माध्यमिक के मत के अनुसार, बौद्ध ने उपदेश किया माध्यमिक को, उसको नहीं ग्रहण करने से विज्ञानवाद का उपदेश किया योगाचार्य को, और उस समय फिर विश्वास नहीं होने से बाह्यर्थवाद का उपदेश किया स्वतांत्रिक वैभाषिकों को। शून्यवादी में क्या विशेष है, शून्यवादी प्रति विशेष कथा थी, शून्यवादी विज्ञानवादी की अपेक्षा क्या विशेष है कथयति। ये भी शून्यवादी न पश्यंत एव, देखते तो है कुछ है ही नहीं, देखते हुए क्या कहते पश्यंत एव सर्वशून्यता पति जानते, सब शून्य है, बाह्य पदार्थ देख करके कि जो बाह्य पदार्थ दिखता है सब शून्य है कुछ है ही नहीं। सर्वशून्यता हम कहें से क्या होगा, अपना दर्शन सिद्धांत भी शून्य हो गया, स्वदर्शन से आप शून्यता, स्वदर्शन से अपना शास्त्र टिप्पणी में दिया, अपना दर्शन सिद्धांत शास्त्र सब शून्य हो गया तो शास्त्र रह गया, ये भी शून्य हो गया पति जानते। इसलिए क्या हुआ विज्ञानवादी का विषय और साहसिक है, वो तो साहसिक थे अत्यंत साहसिक, वैशेषिक नायक की अपेक्षा विज्ञानवादी साहसिक थे, ये उनके अपेक्षा अधिक साहसिक हो गए तो क्या होंगे साहसिक तरा फिर तरप हो गया अधिक उसे और साहसिक है। वो तो आकाश में पक्षी के पदचिन्ह देख लेते थे, ये अधिक साहसिक तो क्या करेंगे हाथी के पदचिन्ह देखेंगे, ये कहते खम मुष्टिना पी जिग्र चंदी है मुष्टिना का को पकड़ लेते हैं ग्रहण करना चाहते ग्रहित मिश्चंदी आकाश को पकड़ कर लेते हैं, वो तो पदचिन्ह देखते थे ये तो हाथ में पकड़ कर आकाश को मुष्टिना ग्रहित मिश्चंदी, ये और साहसिक है। टीका में पश्यंत वैति पश्यंत एव ज्ञान स्वरूप ज्ञप्तिरूप ज्ञान नित्य है उसका लोप नहीं होता है, एते अविलुप्त दृग रूपता द्योत्यते, दृग रूप है जिसका लोप नहीं होता विलोप नहीं होता है हमेशा रहता है, सुश्रुति काल में दृग रूप रहता है तभी अज्ञान का अनुभव होता है, न किंचित अवेदिशम अविलुप्त दृग रूप है पश्यंत एव पश्यन एव न पश्यति व्यक्ति न पश्यति पश्यन एव स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप होता हुआ भी अन्यथा ग्रहण नहीं होता है, स्वरूप होते हुए भी कहते सर्वशून्य, सर्वशून्य को यदि देखते हैं तो देखने वाला कोई है, देखने वाला नहीं हो तो सर्वशून्य में क्या प्रमाण, दृग बलादेव सर्वाभाव सिद्ध्यति दृश बलात् दृग रूप चेतन के बल से सबका अभाव सिद्ध हो जाएगा, ठीक है सबका अभाव सिद्ध हो गया कसे बलात् दृग दृश जो दृश अभाव दृग बलात् सर्वाभाव हो गया और दृग का अभाव किससे सिद्ध होगा, फिर दृग अभाव तो कथम सिद्ध दृग का अभाव कह वही स्वयं दृग देख लेगा और सबका अभाव को देखता तो अपने अभाव को देख लेगा क्या पति, इधर ब्रह्मांड का अभाव दे ले न चावत दृग एव तद अभाव साधे दृग एव तद अभाव स्वभाव दृग ही अपने अभाव को सिद्ध कर लेगा, कौन दृग किसको सिद्ध करेगा अपने अपना भाव और दृक दोनों एक काल में रहते हैं
अभाव काल में दृघ नहीं, दृघ काल में अभाव नहीं। और कैसे देखेगा? तयो रेक काल तो अनुपपते, तयो दृश तद अभाव से दृघ और उसका अभाव दोनों एक काल है ही नहीं, एक काल हो नहीं सकता है। नहीं होगा तो अपने अभाव कैसे देखेगा? दृघ अभाव तो कथम सिद्ध है, सर्व अभाव कहो, सौरभ अभाव कोई आपत्ति नहीं। वेदांति भी कहते हैं कि नेह नानाति किंचन, अद्वितीय ब्रह्म है, उससे बिना कुछ नहीं। ये तो ठीक है, किंतु उसका भी अभाव क्या? सर्वशून्य, उसको अभाव कौन देखेगा? ये स्वयं अपना अभाव नहीं दे सकता है। अपने मत भ्रांत है, गलत है, ये स्वयं अपने मुख से कहते हैं, उनको कहना सिखाना नहीं पड़ता है। सर्वशून्य कहते हैं ना, किंच सर्वशून्यता वदंत, शून्यता दर्शन से, जो शून्यता का शास्त्र है वो रह गया, बाकी बच गया। सर्वशून्य कहने वाले शून्यता दर्शन से भी शून्यत्वम, शून्यता दर्शन शून्यता शास्त्र उसका भी अभाव शून्य हो गया। और अपना अनुभव स्वात्म दर्शन से, अपना जो अनुभव वो भी शून्य। तो अपना अनुभव नहीं रहा और शास्त्र शून्यता दर्शन ही नहीं रहा, सर्वशून्य कहने वाले, बस अपने पक्ष का भी अभाव शून्य हो गया। और क्या बचा? वो कहने वाले भी नहीं रहे, अपने कहने वाले की भी शून्यता, अपना अनुभव शून्य है, शास्त्र भी शून्य है, सब शून्य कह, सर्वशून्य कहने वाला कोई है रहेगा? वही शून्य हो गया। तथा च स्वपक्षा सिद्धि, तो अब शून्य पक्ष सिद्ध कैसे होगा? सर्वशून्य हो जाए तो शास्त्रादि भी निस्वरूप हो गए। टिप्पणी दिया, शास्त्र का कोई स्वरूप नहीं, उनका दर्शन का कोई स्वरूप नहीं, कहने वाले भी कोई नहीं, कहने वाले का भी शून्य, तो उनका पक्ष सिद्ध कैसे होगा? तथा च स्वपक्षा सिद्धि, यही विशेष है विज्ञानवादी के विचार। इति अभिव्यक्त्या स्वदर्शनस्य अपि शून्यतां प्रति जानते, सर्वशून्य कहते कहते अपना दर्शन शास्त्र का भी शून्य तो कह देते हैं। इसलिए क्या हुआ? ते ततोपि साहसिकतरा तेभ्य अपि, ततोपि तेभ्य केभ्य विज्ञानवादी भी अपि, विज्ञानवादी से भी साहसिकतरा है, अर्थात ये असंभव है, सर्वशून्य नहीं हो सकता है। अब विज्ञान स्वयं अपने आप को ग्रहण करते भी नहीं बनेगा। वेदांति ब्रह्म को स्वयं प्रकाश कहते, स्वयं प्रकाश किया उसको नहीं समझ करके स्वयं अपने को प्रकाश करता है कहते। प्रतिक्षण ज्ञान उत्पत्ति नाश वाला, द्वितीय क्षण में दूसरा, तृतीय क्षण में तीसरा, इससे चलता रहता है। प्रथम क्षण में द्वितीय क्षण ज्ञान नहीं है, द्वितीय क्षण ज्ञान है प्रथम क्षण ज्ञान नहीं, तृतीय क्षण ज्ञान है प्रथम क्षण ज्ञान, द्वितीय क्षण ज्ञान भी नहीं रहा। कोई किसका किसके साथ किसका संबंध ही नहीं, पूर्व उत्तर को नहीं जानता है, उत्तर पूर्व को नहीं जानता है। फिर सब ज्ञान में सादृश्य कौन देखेगा? सब ज्ञान में सादृश्य, अप्रतिज्ञान विलक्षण, प्रतिज्ञान क्षणिक, उसका जन्म, उसका जन्म उत्तर ज्ञान देखेगा? पूर्व ज्ञान का जन्म उत्तर ज्ञान देखेगा? उत्तर ज्ञान काले पूर्व जन्म नहीं, पूर्व ज्ञान का नाश भी उत्तर ज्ञान नहीं दे सकता है। उत्तर ज्ञान काले पूर्व ज्ञान का नाश कोई अलग पदार्थ नहीं रहा, वो उत्पत्ति नाश हो गया, उसके बाद दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति, उत्पत्ति नाश बस एक, और उत्पत्ति नाश एक ही क्षण में, क्षणिक है उत्पत्ति काल जन्य ध्वंस प्रतियोगित क्षणिकत्व, स्व 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 उत्पत्ति क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित, उत्पत्ति क्षण में रहने वाले ध्वंस का प्रतियोगी, स्व उत्पत्ति क्षण वृत्ति ध्वंस, उत्पत्ति क्षण में ध्वंस जिसका वो क्षणिक, ये बौद्ध लोग कहते हैं। नायक वैशिष्ट के लोग कहते ये बिल्कुल गलत है, स्वोत्पत्ति क्षण में कैसे ध्वंस होगा? तो कैसे होगा? एक क्षण तो कम से कम रहेगा, वो क्षणिक जो कहते प्रथम क्षण उत्पत्ति, द्वितीय क्षण रहेगा, तृतीय क्षण नष्ट हो जाएगा, इसे वो क्षणिक कहते उत्पत्ति तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम, उत्पत्ति के तृतीय क्षण में ध्वंस होगा, तभी एक क्षण रह गया क्षणिक हुआ,
क्षणिक का क्या अर्थ करते हैं। और ये कहते बात क्षणिक स्थिता अर्थ करो, क्षणिक एक क्षण में उत्पत्ति नाश बार असंभव है। अभी विज्ञान में बाह्यालंबन तो सिद्ध हुआ, क्षणिकत्व सिद्ध हुआ। यदि विज्ञान से बाह्यालंबनत्व क्षणिकत्व च न संभवती फिर क्या है विज्ञान, किं तरी तत्व एकम होती, क्या एक तत्व रहेगा फिर, जो शून्य तत्व भी नहीं हुआ क्षणिक भी नहीं हुआ, किं तरी तत्व एकम रूप एक रूपम होती, क्या एक तत्व है अबाधित वस्तु क्या है। टिप्पणी दी दिया वास्तविक पदार्थ क्या है जिसका बाद नहीं, भ्रांति तो सब हो गई, बाह्य पदार्थ की भ्रांति, विज्ञान में क्षणिक तो भ्रांति, शून्य भी भ्रांति, सब हो गया। तात्विक पदार्थ फिर क्या रहा अबाधित पदार्थ, एक अबाधित पदार्थ मानेंगे तभी बाकी सब मिथ्या मिथ्या कहेंगे, कुछ भी अबाधित नहीं रहेगा तो कहने वाले भी नहीं रहा, सुनने वाले भी नहीं रहा, सात्व भी नहीं रहा, फिर क्या है कोई तात्विक पदार्थ क्या है। इतिहास में क्या है, अजातम जायते यस्मा दजाति ही प्रकृतिस्ततः प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति। यस्मात् अजातम जायते, अजातमेव जायमान उपलभ्यते, जायते अजाते है तो जायते किस होगा, अजातम जायते जो जन्म वो जन्म होता है, जहाँ जल है ही नहीं वहाँ जल है, जहाँ जल शून्य मरुभूमि में जल है, मरुभूमि में जल शून्य में जल कहने से क्या होगा, जल है जलाभास वास्तव ही नहीं, जल देश से दिखता है, जल शून्य देश में जल जैसे लगता है। अजातम जायते जो जाते चिद्रूप विज्ञान जायते क्या टिप्पणी दे दिया, जायमान तुन बाद भी कल्प्यते, अजात को जायमान कर कहते वो कल्पना करते, वास्तव तो अजन्मा है उसको जायमान कहते। इसलिए क्या सिद्ध हुआ, जो अजात है वस्तुतः तो उसका जन्म है ही नहीं, ततः प्रकृति क्या है अजाति स्वभाव, अजाति अजाति जन्माभाव ये स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है अजन्म जन्माभाव जन्माभावी, क्योंकि अजात में ही जायमानत्वेन अनुभव, जायमानत्वेन किम दृश्यते अजम, अज ही जायमानत्वेन दृश्यते, जायमानत्वेन यद दृश्यते तद किम अजम, अज होने के कारण यही स्वभाव हो गया, यही तात्विक है अजन्मा के तत्व है, तथा प्रकृति अजाति। क्यों यदि जायमन तो दिखता है जन्म मान लो, कहते प्रकृति अन्यथा भाव कथन से न भविष्य, अज जो स्वभावत अज है उसका अन्यथा भाव कथन से न भविष्य, स्वभाव का अन्यथा भाव कोई नहीं होता है, यदि अन्यथा भाव हो जाता है उसका स्वभाव नहीं है, जल गर्म करने के बाद थोड़ी देर में ठंडा हो गया तो उष्ण स्पर्श जल का स्वभाव नहीं है, यदि उष्ण स्पर्श स्वभाव था वहीं कितने देर रहने पर ठंडी हो जाती, स्वभाव है तो अन्यथा भाव नहीं होगा, अजन्मा है तो स्वभाव उसका अन्यथा भाव नहीं होगा, जन्म हो ही नहीं सकता, हर जन्म जैसे कल्पना करते कल्पना करो कोई आपत्ति नहीं, मिथ्या है। ठीक है, मैं तस्याच प्रकृतिर अन्यथात्म पूर्वस्तादेव निरस्तम, तस्या प्रकृति प्रकृति अन्यथा का निराकरण पहले हो गया, प्रकृति अन्यथा भाव न कथन से श्लोक से तात्पर्य महा, श्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते अजातम उक्ते उक्ते हेतुभिर अजम एकम ब्रह्म इति सिद्धम, ये हेतु से सिद्ध हो गया, दृश्य भी मिथ्या है विज्ञान भी मिथ्या है,
दृश्य प्रदत्त प्रपंच सब जन्माभाव मिथ्या है। विज्ञान मतलब विज्ञान में जन्माभाव मिथ्या है, क्षणिकत्वादि मिथ्या है, और एक अजन्मा ब्रह्म ही सदैव समय इदम अग्रासी एक आदित्यम श्रुति तो कहती। इन हेतु से एक अज ब्रह्म, क्योंकि जो जन्म होता है अजाति ही जन्म, जात का जन्म माने तो न बता अजम जाए थे जाय मैंने तो दिखते अजय ही जाय मैंने तो नहीं दिखता है, तो वस्तुतः स्वभाव अजय और एक ही एकम अजम वही ब्रह्म है तो सिद्धम। उत हेतु क्या अर्थ करते हैं, कूटस्थम अद्वितीयम ब्रह्म इति पूर्वत्र प्रतिज्ञातम तजन्मन दुर्निर्वत्वाद उत्तरित भी सिद्धम। कूटस्थम अद्वितीय ब्रह्म पहले कहा गया था, वो अद्वितीय ब्रह्म कूटस्थ क्यों, कि तजन्मन तस्य जन्मन दुर्निर्वत्वाद, उसके जन्म का निरूपण नहीं होता है, जन्म ही नहीं होता है, जन्म ही सिद्ध नहीं, इन हेतु से सिद्ध हुआ उसका जन्म नहीं। जन्म को जानने वाले कौन, देखने वाले स्वयं, यदि उत्पत्ति नाश भरने वाला सिद्ध नहीं होगा। तस्य व सिद्ध से अर्थस्य फलम उपसंहर्तुम ऐसा श्लोक, जो अर्थ सिद्ध हो गया ये एक अजन्म आत्मतत्व है, वो अर्थ जो सिद्ध हो गया निश्चय हुआ, सिद्ध से अर्थस्य निश्चय रूप से अर्थस्य फल उपसंहार करने के लिए ये श्लोक है, निश्चय का फल क्या हुआ, ये अजात जायते जैसे अजाति स्वभाव है अजन्मा ही हुआ। पूर्वार्धम योजयति, पूर्वार्ध का व्याख्यान कहते करते भाष्य में, अजातम यचित्तम ब्रह्मेव जायते इति बाधि परिकल्पते तद अजातम जायते अस्मात्, इसलिए अजाति प्रकृति हो गया। अजातम या चित्तम, जो चित्त है ब्रह्म है वही चिद रूप है, अजन्मा है, ब्रह्म ही अजन्म, ब्रह्म ही व सदरूप वही जायते, वो तो चित्त को कहते हैं, और कुछ कहते अद्वितीय ब्रह्म वही कार्य आकर आकाशवादी रूप से जन्म हो गया, अजन्मा ब्रह्म जायते इति बाद भी परिकल्पित, जो जन्म होता है अजन्मा जायते, अजस्य जन्म पहले आया है, अजात से जन्म, जात से जन्म मानेंगे तो जात से जन्म पूर्व अनवता दूसरे, अजातम या चित्तम चिद्रूप ब्रह्मैव जायते इति बाधि भी परिकल्पते तद अजातम जायते अस्मात्, अजातम जायते नहीं बनेगा, अजातम जायमानत्व न कल्प्यते उपलभ्यते, जायमान तो न भाषते कल्पना है, यस्माद अजातम जायते अस्माद, इसे क्या सिद्ध हुआ, अजात अजन्मा ही प्रकृति, जायमान तो न अजन्मा ही दिखता है, अजाति प्रकृति तथा तस्य प्रकृति अजाति, तस्य ब्रह्मण अजस्य प्रकृति स्वभाव अजाति तथा तथा तस्माद, अजात रूप या प्रकृति अन्यथा भाव जन्म न कथंजी भविष्य, ये जो अजात रूप प्रकृति है अजातम रूपम यस्य प्रकृति सा प्रकृति अजात रूपा तस्य अन्यथा भाव, अजात में अन्यथा भाव क्या हो सकता है, जन्म, जो अजन्म है तो अन्यथा जन्म, वो जन्म कथंचित न भविष्य, किसी प्रकार जन्म नहीं हो सकता है। टीका में, यदि चित्तम स्फुरणम अजातम अभिष्टम, वो चित्त है चिद्रूप है स्फुरण ज्ञान अजातम अभिष्टम तरी तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, तस्य कौटस्थेक स्वभाव्यात कूटस्थत्वात एक स्वभावत्वात, कौटस्थ रूप एक स्वभाव तत्पुनर्वस्तु तो न जातमेव, वस्तुतः जातम इति न, जो कुटस्थ अजन्म आदित्य ब्रह्म है वस्तुतः जातम इति न, तो फिर जन्म किसे कल्पना करते, न जातमेव माया जन्मवत इति कल्प्यते, माया से जन्मवत इति कल्प्यते, माया से
माया से जन्म हुआ, माया से आकाश आदि बन गया, इंद्र माया भी पूर्व रूप ही आती थी, कहती अनेक रूप माया से हो गया परमात्मा, माया से हो गया स्पष्ट माया से। माया से मतलब वास्तव नहीं हुआ, किंतु वास्तव द्वैत प्रपंच में सत्य तो बुद्धि इतने दृढ़ है, अनादिकाल से देखते देखते इतने दृढ़ हो गया। माया से कहते हुए भी सत्य तो जादू दिखाता है, जादूगर रास्ता में कहीं जादूगर दिखाता है, वस्तु नहीं होने पर भी दिखा देता है, ये प्रसिद्ध है। सब कहते ये माया से दिखाता है, माया करता है, जादू करता है, माया करता है, ये कहते उसे माया शब्द प्रयोग करते श्रुति में आया, अद्वितीय ब्रह्म अजन्म है, माया से जन्म हो गया। माया से जन्म होता कहते कहते भी द्वैत प्रपंच को सत्य मानते हैं और माया को भी सत्य मान लेते हैं कि माया ना कोई पता है उनके साथ, उससे बन गया। अरे माया जन्म विधि कल्पते चेत, तो वास्तव विचार करने पर वही माया से जन्म, माया से जन्म, माया से जन्म का अर्थ जादू माया से दिखाता है, मतलब कुछ बनाता नहीं दिखा देता है। इसी प्रकार माया से जन्म वाला कल्पना करते तो वास्तव जन्म नहीं कल्पना है, कल्प्यते चे तस्य अजाति रेव, यही स्वभाव हो गया। माया से जन्म वास्तव जन्म नहीं है, माया से जन्म का तो वास्तव जन्म ही नहीं, जादूगर माया से दिखाते तो वास्तव कुछ नहीं करता है, अपने पुत्र के जीवा को छेदन कर लेता है माया से, सब लोग देखते वो रोता है, इसे मुख से खून निकल जाती है, ये माया से जादू दिखा देता है, वस्तु तो कुछ नहीं। ये कल्पना करते तस्या अजातिरेव प्रकृति, उसके प्रकृति अजाति क्यों हुआ, अजातत्वात जन्म ही नहीं हुआ, वास्तव जन्म नहीं होगा तो स्वभाव अजत अजात हुआ, वास्तव जन्म हो जाएगा तो उसका स्वभाव अजत नहीं होगा। अब वास्तव जन्म नहीं कल्पित है तो कल्पित जन्म है तो वास्तव जन्म है या नहीं, वास्तव नहीं होने से अजातत्वाद प्रकृति उसका स्वभाव है। द्वितीयार्थम जो जाती प्रकृति अन्यथा भाव न कथंचित भविष्यति, अजात रूपाया प्रकृति अन्यथा भाव जन्म कथंचित न भविष्यति, प्रकृति का अन्यथा भाव होता क्या होगा, तस्या चेत अन्यथा तुम, यदि उसका अन्यथा हो गया तो स्वरूप ही नहीं रहेगा, वन्नी ठंडी हो जाए तो वन्नी नहीं रहेगी, वन्नी ठंडी हो गया तो वन्नी नष्ट होगी, राग अंग है वो ठंडी हो गया कोई बात नहीं, अन्यथा हो जाए प्रकृति का अन्यथा परिवर्तन हो गया वो वस्तु ही नहीं रहेगी, स्वरूप हानि आपते तस्या चेत अन्यथा तो टिप्पणी में परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए तो स्वरूप से हानि आपत हानि त्याग स्वरूप ही नहीं रहेगा आपते द्वितीयर्थ। इसलिए अज का जन्म कभी नहीं हो सकता है, अब बाकी अज से बिना कोई पदार्थ नहीं, सारे पदार्थ का निराकरण हो गया और एक अद्वितीय तत्व रहा वो अजन्म आत्म तत्व है, वही वास्तव तत्व है, उससे बिना कुछ नहीं, नया नानाति किंचन करके बाकी सब का हाँ जाए मानते ना कल्पना करते दिखता है, वास्तव जन्म नहीं माया से जन्म है, यही तत्व पूछा था किन तरह एकम तत्व भवती, वे अजात स्वरूप हो गया, वो स्वभाव है अन्यथा भाव कभी नहीं हो सकता है। ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्स्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।